हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेलोजी ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोलॉजी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम हाइड्रोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं उनका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। तो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं वो प्रेसिपिटेशन कहलाती हैं, जो कि एटमोसफियर से अर्थ पर गिरती हैं। तो जनरली प्रेसिपिटेशन 6 टाइप के होते हैं: रेनफॉल, ड्रिजल, हेल, ग्लेज, स्लीट एंड स्नो। पहला है रेनफॉल। अगर वाटर ड्रॉप का साइज़ 0.5 to 6 mm होता है तो उसे हम रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम जनरली रेन गेज का यूज़ करते हैं। रेन गेज दो टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड नॉन रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग गेज का एग्जांपल है साइमन गेज, एंड रिकॉर्डिंग गेज का एग्जांपल है टिपिंग बकेट एंड वेइंग बकेट। सेकेंड है ड्रिजल। अगर वाटर ड्रॉप का साइज़ लेस देन 0.5 mm है एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 mm/hr है तो उसे हम ड्रिजल कहते हैं। थर्ड है हेल। अगर वाटर ड्रॉप का साइज़ मोर देन 8 mm है तो उसे हम हेल कहते हैं। फोर्थ है ग्लेज। अगर वाटर ड्रॉप 0 degree Celsius के कांटेक्ट में आती है तो वो ग्लेज कहलाती है। फिफ्थ है स्लीट। फ्रोजन ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉप को हम स्लीट कहते हैं। सिक्स्थ है स्नो। अगर प्रेसिपिटेशन की एवरेज डेंसिटी 0.1 g/cm³ है तो उसे हम स्नो कहते हैं। अब इंटेंसिटी के बेस पर जनरली रेन 3 टाइप की होती है: लाइट रेन, मॉडरेट रेन एंड हैवी रेन। अगर इंटेंसिटी लेस देन 2.5 mm/hr है तो उसे लाइट रेन, अगर इंटेंसिटी 2.5 to 7.5 mm/hr है तो उसे मॉडरेट रेन, अगर इंटेंसिटी मोर देन 7.5 mm/hr है तो उसे हैवी रेन कहते हैं। अब बात करते हैं फार्मूलाज की। फर्स्ट फार्मूला है सी वी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू 100 × σm−1/PM₁। यहाँ पर PM₁ जो है वो एवरेज है एम स्टेशन का, एंड σm−1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट सेकंड फार्मूला है σm−1 स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी। इस फार्मूला में मैंने अंडर रूट ऑफ सिग्मा लगाना भूल गया हूँ, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए अंडर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ PM₁ − PI²/m−1। PM₁ यहाँ पर सेम एवरेज ऑफ एम स्टेशन है। थर्ड फार्मूला है m = CV/εr² सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एप्सिलॉन एरर एंड एम ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन है। फोर्थ एंड फिफ्थ फार्मूला यहाँ पर मिसिंग रेनफॉल डेटा निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। तो फोर्थ फार्मूला है px = P₁ + P₂ + P₃ up to PM/m। व्हेन Pmax − Pmin/Pmax × 100 इज लेस देन 10%। अगर मोर देन 10% है तो हम फिफ्थ फार्मूला यूज करेंगे, जो कि नॉर्मल रेशियो मेथड भी कहलाता है। इसमें हम px = NxM × P₁/N₁ + P₂/N₂ + up to PM/nm यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए। हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा थिसन पॉलीगन मेथड, तीसरा आइसोहेडल मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड में हम सारे स्टेशन का मीन ले देते हैं, तो P₁ = P₁ + P₂ + P₃ up to PN/n। एंड अगला फॉर्मूला है थिसन पॉलीगन का, इसमें हम थिसन पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, देन प्रेसिपिटेशन का पॉलीगन एरिया से मल्टीप्लाई करके समेशन करते हैं, देन डिवाइड बाय टोटल एरिया। ये थिसन पॉलीगन मेथड में आता है। अगला है आइसोहेड्रल मेथड। आइसोहेड्रल मेथड में सबसे पहले हम आइसोहेड्रल ड्रॉ करते हैं। आइसोहेड्रल जो होते हैं वो इक्वल रेनफॉल लाइंस होती हैं, P₁ = P₁ + P₂ / P₂ + P₃/2 × A₁ + P₂ + P₃/2 × A₂ + PN−1 + PN/2 × AN / total area। तो ये थे किसी भी एरिया का एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला है रिटर्न पीरियड का। रिटर्न पीरियड जो होता है प्रोबेबिलिटी का इन्वर्स होता है T = 1/P। यहाँ पर P जो है वो m/n+1 है, जो कि वीबुल फार्मूला से यूज निकालते हैं हम। उसके बाद है PN·R = NcRPR³n−R। ये जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की R टाइम्स अकर होने की इन N ईयर्स। तो पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉन अकरिंग इन N सक्सेसिव ईयर। नॉन अकरिंग मीन्स R = 0, तो PN₀ हो जाता है NC₀P₀²N=Q²N, जिसे हम रिलायबिलिटी भी कहते हैं। अगला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग एटलीस्ट वंस इन एन ईयर। एटलीस्ट वंस के लिए हम 1 − PN₀ करते हैं, तो 1 − Q²N हो जाता है, जो कि रिस्क कहलाता है।
अगले इस पेज में हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के फॉर्मूले। तो पहला है डाइल्यूशन टेक्निक। तो Q इक्वल टू वी वन सी वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ सी टू माइनस सी नॉट इंटू डी टी। तो यहाँ पर सी नॉट सी वन सी टू जो है, सी नॉट है कंसंट्रेशन है ट्रेस की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, एंड सी वन है जो हम कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, सी टू जो है वो आफ्टर टी टू टाइम जो कंसंट्रेशन हम मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है Q इक्वल टू क्यू ट्रेस इंटू सी वन माइनस सी टू अपन सी टू माइनस सी नॉट। इस फॉर्मूले को हम इस सी वन इसको हम 12/20 से भी याद रखते हैं, सी वन माइनस सी टू अपन सी टू माइनस सी नॉट। थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। क्यू इक्वल टू के वन इंटू ई डी वाई आई प्लस के टू की होल पावर एन। यहाँ पर के वन के टू एंड एन कॉन्स्टेंट है, ई पोटेंशियल है, टी डिस्टेंस है, एंड आई करेंट है। फोर्थ फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू ए इंटू एल बाई टू कॉस थीटा वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ये अल्ट्रासोनिक मेथड है, इसमें हम वेलोसिटी मेजर करते हैं देन एरिया मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज मेजर करते हैं। अब बात करते हैं फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स की। फाई इंडेक्स जो होता है पी माइनस आर अपॉन टी होता है, पी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है, आर रन ऑफ है, एंड टी टाइम है। फाई इंडेक्स फाई शुड बी लेस देन आई ईच आई। अगर फाई किसी भी इंटेंसिटी से ज़्यादा आता है तो हम उस इंटेंसिटी को इग्नोर करके फिर से फाई निकालते हैं, एंड ये प्रोसेस हम जब तक करते हैं जब तक मेरा फाई जो है सभी इंटेंसिटी से कम नहीं हो जाता। अगला है डब्ल्यू इंडेक्स का। डब्ल्यू इंडेक्स होता है पी माइनस आर माइनस इनिशियल लॉस अपॉन टाइम, डब्ल्यू इज ऑलवेज लेस देन क्यू। अब आते हैं फ्लड पीक एरिया रिलेशनशिप पर। फ्लड पीक तो ये तीन यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूले दे रखे हैं। फर्स्ट है डिकेंस फॉर्मूला क्यू पी इक्वल टू सी डी इंटू ए रेज टू 3/4। अगला है रिव्स फॉर्मूला क्यू पी इक्वल टू सी आर ए रेज टू 2/3। थर्ड है इंग्लिश फॉर्मूला क्यू पी इक्वल टू 124 ए अपॉन अनरूड में ए प्लस 10.4। यहाँ पर एरिया जो है किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ये और क्यू है डिस्चार्ज वो क्यूमेक में है। अब आते हैं सब इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक बेसिन लेग टी पी। बेसिन लेग जो होता है टाइम होता है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ रेनफॉल एक्सिस टू द पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। यहाँ पर मैंने यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आप देखते हो रेनफॉल एक्सिस 1 सेंटीमीटर के मिड पॉइंट से पीक डिस्चार्ज तक का टाइम है वो टी पी बेसिन लेग कहलाता है। अगला है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ जो होता है डिस्चार्ज वर्सेज टाइम के बीच प्लॉट होता है। थर्ड है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ इंटेंसिटी वर्सेज टाइम के बीच प्लॉट होता है। मास्कर्व मास्कर्व एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेज टाइम के बीच प्लॉट होता है। एंड फिफ्थ है हॉर्डन साइकिल। हॉर्डन साइकिल जनरली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है जिसे हम हॉर्डन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन फ्लड की। डिजाइन फ्लड मेनली तीन होती हैं, एसपीएफ पीएमएफ एंड स्पिलवे डिजाइन फ्लड। एसपीएफ जो होता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड होती है जिसमें हम सीवियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, एंड पीएमएफ में हम प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड में हम सीवियर एंड रेयर कॉम्बिनेशन दोनों हम मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर यूज करते हैं। थर्ड स्पिलवे डिजाइन फ्लड। स्पिलवे डिजाइन फ्लड में हम ये डिजाइन स्पिलवे डिजाइन के लिए यूज करते हैं, एंड पीएमएफ इज ऑलवेज मोर देन एसपीएफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।